बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ग्रेड सिक्स इंग्लिश में आज हम एक बार फिर ग्लोसरी और ग्रामर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो ईटा स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश पोर्शन भी होता है। आपको सिक्स क्लास की इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये इस्लामियात वगैरह जो किताबें हैं वो पढ़ने हैं, ताकि ईटा स्कॉलरशिप टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसके अलावा जो लोग एसएसटी जनरल, एसएसटी में जनरल में 65% इंग्लिश होता है और पीएसटी सीटी में 25% इंग्लिश होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग ईटा टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं। रवान, कारवा को कहते हैं। ट्रेवलर्स, जर्निंग टुगेदर, ट्रेवलर्स सफ़र करने वाले जो एक साथ सफ़र करते उसको कारवा कहते हैं, कारवान, कारवान। एन सराई होटल को कहते हैं। एक्सप्लाइट, इस्तेहसाल करना। टू यूज़ समवन और समथिंग, यू यहाँ पर गलत है, यू नहीं है, टू यूज़ किसी को इस्तेमाल करना, जिस चीज़ को इस्तेमाल करना, इस्तेहसाल करना। कापर वेयर, तांबे के बर्तन, अटेंसल्स, बर्तन मेड ऑफ कापर जो तांबे से बने हों। एम्ब्रॉयडर, जिस चीज़ पर कढ़ाई की गई हो, जिसको खूबसूरत बनाया गया। डेकोरेटेड, जिसको खूबसूरत बनाया गया हो, नीडल वर्क, सुई के काम के साथ। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस में आपने खुद इस्तेमाल करने हैं, मैं सिर्फ आपको माने बताऊंगा। पॉटरी, चाइना, क्रॉकरी, मिट्टी के बर्तन को पॉटरी कहते हैं, मिट्टी के बर्तन जिसको हम चाइना क्रॉकरी भी कहते हैं, चाइना और क्रॉकरी। लेटर, खोड़ा, गंदगी कहते हैं, रबिश, जंक। एनर्मसली, वेरी, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। हॉकर, सेलर, पीरी वाला, गली गली में चीज़ें बेचने वाले को हॉकर कहते हैं, जो शख्स गलियों में आवाज़ लेता है कि ये चीज़ ले रहे हो, ये ले लो, तो हॉकर होता है, इसको क्या कहते हैं, हॉकर। लेडन, बोझ से लदा हुआ, लोडन, बर्डन, जिस चीज़ पर हम बोझ डालते हैं तो लेडन होता है। ग्रामर में पेरेंथेसिस, पंक्चुएशन मार्क या कौसेन। पेरेंथेसिस क्या है, पेरेंथेसिस और करोड नोटेशन, ये मुड़ी हुई इशारे होते हैं। यूज टू कंटेन फर्दर थाट्स और क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें मजीद ख्यालात या बयानात होते हैं। इट अलाउज अ राइटर, ये एक राइटर को इस बात की इजाज़त है। टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, को इजाफी मालूमात फराहम करें। द पेरेंथेटिकल मटीरियल माइट बी अ सिंगल वर्ड, जो मटेरियल पेरेंथेसिस में होते हैं वो सिंगल वर्ड, एक लफ्ज़ भी हो सकता है, अ फ्रेगमेंट, टुकड़ा, और मल्टीपल या कई, कंप्लीट सेंटेंसेस, मुकम्मल जुमले। इसके लिए यहाँ पर इस किताब में टू रूल दी गई है। रूल नंबर वन ये है कि हम पेरेंथेसिस को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। टू इंक्लूज नंबर्स आर लेटर्स, नंबर्स हिंस हो या हरूफ को बंद करने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग आइटम्स इन अ लिस्ट, जो चीज़ों को एक लिस्ट में मुतआरिफ कराते हैं, इसका मिसाल है। देयर आर फाइव स्टेप्स टू क्लीनिंग एन एक्वेरियम, तो पहला स्टेप कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये लेटर्स हमने पेरेंथेसिस में बंद की है, तो ये इसका पहला इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल है, यूज़ पेरेंथेसिस टू एक्सप्रेस एन अमाउंट एंड नंबर प्रीवियसली एक्सप्रेस इन वर्ड, जब हम अमाउंट, मकदार को पहले अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, बयान किया होता है, तो फिर हिंसों में इसको हम पेरेंथेसिस में बंद करते हैं। यहाँ पर 500 रुपीज़, तो इसके बाद नंबर्स को हमने पेरेंथेसिस में बंद किया है। एड पेरेंथेसिस टू इंक्लूड सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन, एक्रोनियम्स एंड डेट्स और लेटर्स एंड नंबर इन अ सीरीज, एड और रिमूव एनी पंक्चुएशन एज नीडेड टू यूज द पेरेंथेसिस करेक्टली, वन हैज़ बीन डन। यहाँ पर शी पेड अलर्ट रुपीज 1000 फॉर द रनिंग शूज़, द मंथली रेंट आर एस 70,000, इसको हमने पेरेंथेसिस में बंद किया है। और ही लास्टेड फॉर 4 years, 2002 to 2006, अली आज़म 1876 में पैदा हुआ था, 1948 में वफात हुआ था, वॉज बॉर्न इन कराची। तो यहाँ पर हमने इसको 1876-1948 को पेरेंथेसिस में इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ कि पेरेंथेसिस के दो इस्तेमाल आपको समझ आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।